नमस्कार आराधना किचन को आपण मानको बहुत बहुत स्वागत मु आराधना आज आपण को सहित आलु आउ मेथी साग को नेकी गोटे रेसिपी शेयर करबी जदि आपण को मो रेसिपी गुडी को भल लागछि मो चैनल को लाइक करंतु फ्रेंड किंबा फैमिली मेंबर को सहित फेसबुक किंबा व्हाट्सएप रे शेयर करंतु जदि आपण मो चैनल को नुवा आछन्ते पर्यंत सब्सक्राइब करना थे तबे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करनंतु जादर कि मग अपलोड करथिबा सब न्यू वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण प्रथम मिल जिवो चलंतु मने स्टार्ट करबा प्रथम आम गोटे कड़ाई में गोटे टेबुल स्पून हम तेल गरम करना तेल टिके गरम ही आसने से दुटा मीडियम साइज रो सीझा आलु पकई दबा सीझा आलु जगह आप चाहिए कंचा आलु यूज करेंगे किटा सीझापी टाइम नब या टी जल्दी बनीज तेल सहित आलु को आम अल्प टिके समय भाजी दबा तेल सहित आलु को भाजले तरकार टेस्ट टी भल आस आपको बेस समय भाजबानी एटा तो सीझी जाए केवल आपको दु तीन मिनिट एमती एपट सेपट करके बाहर करदे आलु ये भाजीगला आम आपको बाहर को बाहर करदे आम कड़े तीन रु चार टेबुल स्पून हम तेल पकई गरम करना तेल टिके गरम होने गोटे टी स्पून जीरा पकईद जीरा टिके फुटी आसले ए गोटे तेजपत्र को छिंडे ऐड करदे आईटा सुखला लंका को छिंडे ऐड करदे तापर दुटा मीडियम साइज रो प्याज को चॉप करके ऐड करदे प्याज टिके अधिक पकेले सागर खारिया अंशटा को प्याज मारी दिए जहाद्वारा कि तरकारी रो टेस्ट टिके भल आसे प्याज रो कलर चेंज होगा पर्यंत आम प्याज को फ्राए करवा प्याज टिके जल्दी फ्राए हो स्वाद अनुसार लुण पकईद पूरा तरकारी मुझे एका सांगे लुण पकई नौ स्टार्टिंग रो बेले बेले पर भूली जाऊ तेणु स्टार्टिंग रे पकईदेटा भल लुण पकईदा प्याज बाकी जहाँ भी इनग्रीडियंट आम एड करवा सब जिनस कुक बहुत कम टाइम लगे प्याज ये भाजीगला नेक्स्ट आम ये हाफ टी स्पून हलदी गुंड हाफ टी स्पून धनिया गुंड हाफ टी स्पून भजा जीरा गुंड हाफ टी स्पून करी पाउडर हाफ टी स्पून काश्मीरी चिल्ली पाउडर पकईद नेक्स्ट आम ये गोटे टी स्पून अदा रसुण पेस्ट पकईद आपको भलरे मिक्स करके टिके फ्राए कर नवा जस्ट दुई रु तीन मिनिट एबे आमे एथिरे गोटे मीडियम साइज रो कटा टमाटो ऐड करदबा टमाटो को मसला सहित भलरे मिक्स करके टमाटो मेल्ट हेला पर्यंत आमे टमाटो को फ्राई करिबा टमाटो ये फ्राए होगा नेक्स्ट आम ये काटिक रखि मेथी शाग को आड करदे मुझे गोटे बेड़ा मेथी शाग को भलि धोईकी काटिक रखी आपको आड कर नौ आप ट्राए करेंगे पत्र पत्र देखिक आड करने को डांग बेस आड करें शाग को किसी समय भाजला शागर पा बाहर से पाटा ही कषा कर दिए शाग को देखिपे अल्प टिके टिके पा आपको देखा जाटा को आम हाई फ्लेम रखिकी मारिद ये पाटा जिते शीघ्र मरीज शागर टेस्ट जिते भल आस कषा करें पाटा मरिया जस्ट दुई रु तीन मिनिट ही लगे एमतिका छोट छोट टीप्स ही तरकारी टेस्ट बढ़े थाए शाग ये अधा भाजी पानी मध्य मरी आसला एबे आमे सीझे कि भाजिक रखि आलु को ये आड करदे आपको भलरे मिक्स करदे एबे आमे एथरे अधा कप हम पानी ऐड करदे
ମୁଁ ଏଠି ଗରମ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଗରମ ପାଣି ୟୁଜ୍ କଲେ କୌଣସି ବି ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟରେ ଚେଞ୍ଜ ଆସେନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗରମ ପାଣି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତାହା ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ମାରିଦିଏ। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ଏହାକୁ କଭର୍ କରିକି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ କଭର୍ ହଟେଇକି ଚେକ୍ କରିବା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଏଥିରେ 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ହେବ ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିକି ଆକୁ ଭଲରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ହୋମମେଡ୍ ଗରମ ମସଲା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ବାହାରର ଗରମ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରିକି ଦେଖାଇ ନେଉଛି। ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ ସହିତ ବନିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆପଣ ଆକୁ ଭାତ କିମ୍ବା ରୁଟି ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଏ ରେସିପିଟିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ରହିଲା ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ତଳେ ରେଡ୍ କଲର୍ର ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ରେସିପି ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।